हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर आई होप कि आप सब ने डेफिनेटली अभी तक तो ये न्यूज़ देख लिया होगा। एक बहुत बड़ी एक लड़ाई थी डीएड और बीएड का, काफ़ी लंबे समय से ये जो दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो चल रही थी, अपने हक की लड़ाई थी, सभी दोनों पक्ष अपने हक के लिए लड़ रहे थे और फाइनली आज के डेट में इसका फाइनल डिसीजन या फाइनल फैसला हम बोल सकते हैं ये आया है। आई होप कि आप सब ने अभी तक तो ये न्यूज़ देख लिया होगा कि डीएड और बीएड का जो कि कोर्ट केस चल रहा था छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में, उसमें फाइनली हाई कोर्ट ने डीएड वालों के पक्ष में सुनवाई करी है। फाइनली छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने ये बोला है कि बीएड वाले जो ज्वाइन कर चुके थे अभी तक 2023 भर्ती में, उनको बाहर किया जाए या उनको हटाकर उनके जगह में डीएड वालों को या डीएड वालों के साथ फिर से एक नई सूची बनाई जाए और चयन प्रक्रिया को पूरी की जाए। ये उनकी ऑर्डर कॉपी भी आज शाम तक आ चुकी है और ऑर्डर कॉपी में कौन कौन सी चीज़ें लिखी है स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन किया गया है, उन सभी चीज़ों के ऊपर और डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी फैसला आया है वो दो अलग अलग पक्षों के लिए ना दो अलग अलग चीज़ें लेकर आई है। अगर हम बात करें डीएड वालों का, तो डेफिनेटली उनकी अपनी लड़ाई थी, तो डीएड वाले जितने भी हैं जो अब इस डिसीजन के बाद जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है ना, उनको डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। लेकिन अगर हम बात करें बीएड वालों का, तो बीएड वाले ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी 5 से 6 महीने लगभग हो गए इन लोगों को ज्वाइन करे हुए, है ना, तो एक टीचर के रूप में डेफिनेटली उन लोगों ने अपना सर्विस दे दिया है अभी तक, तो उनको निकाला जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो एक डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दुखद बात है जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको निकालना। हालांकि अब यहाँ पर नियम की अगर बात करें, सही और गलत की बात करें, तो देखो सही और गलत की चीज़ों को डिसाइड करते करते तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे संस्था को इतने समय लग गए, तो सही और गलत की फैसला या सही और गलत वाली चीज़ें वो अपनी जगह में है। बात यह है कि जो ज्वाइन कर चुके थे, जो बीएड वाले थे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, और ज्वाइन करने के बाद किसी को जॉब से निकालना वो ज़्यादा दुखद परिस्थिति होती है। देखो, हमने शुरू में ही बोला था जिस समय में इन लोगों को ज्वाइन करने का ऑर्डर या प्रक्रिया में भाग लेने का ऑर्डर आया था, देखिए सारी चीज़ें निपट जाने के बाद अगर ज्वाइनिंग मिली तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ज्वाइन करने के बाद निकालने वाला जो सिचुएशन होता है वो वर्स्ट होता है ना, और वही सिचुएशन वही परिस्थिति सामने अभी आई हुई है और देखने को मिल रहा है। ठीक है, सभी ने अपने अपने हक के लिए लड़ा बहुत अच्छे से, जितना अपने से हो सके। डीएड वालों ने अपने साइड से बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके, उन लोगों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, और बीएड वालों ने भी जो उनसे बना, जो भी उन लोग कर सकते थे वो सारी चीज़ें बीएड वालों ने भी किया। फाइनली जो फैसला था वो कानून के हाथ में था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट हाई कोर्ट को सौंपा कि फाइनल डिसीजन स्टेट जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो फाइनल डिसीजन लेंगे, और फिर हाई कोर्ट ने अपना फाइनल निर्णय अभी इस मैटर में सुना दिया है। स्पेशली अगर हम बात करें किसका, छत्तीसगढ़ का, तो अलग अलग राज्यों में अभी भी कुछ कुछ जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में एक केस बची हुई है, कई सारे राज्यों में ऑलरेडी इस तरह के फैसले लिए जा चुके थे पहले भी, अगर हम बात करें बिहार का और ऐसे कुछ जगहों का। ठीक है, तो अभी फाइनल डिसीजन अब हो चुकी है और डीएड वालों के पक्ष में हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग सब हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को कि जो बीएड वालों का जो नियुक्ति था वो इलीगल था, है ना, और उनको हटाकर जो डीएड वाले हैं उन लोगों के आगे की प्रक्रिया कराई जाए। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी बातें स्पेशली मेंशन करी है हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने, और क्या कब तक के टाइम दिया है क्या। अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि 2019 वाले भर्ती को भी इफेक्ट करेगा, कि तो ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिसीजन है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अभी हाल ही में जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है ना 2023 में, उसके लिए है, उससे पहले वाली भर्ती प्रक्रिया को किसी भी तरह से ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो देखते हैं कि सबसे मेन बात है और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने डिसीजन है उसमें क्या बोले हैं अपने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। देखो, 50 से 55 पेजेस की ये डिसीजन सुनाए हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। सबसे मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमको वो देखने को मिलती है पेज नंबर 56-57 में। ठीक है, जिसमें सारी चीजों को स्पष्टता के साथ रखी गई है, जो भी रीजन थे, जो भी चीजें थी, जो भी मैटर था, जो भी कार्यवाही अभी तक हुई इस मैटर में, सारी चीजों को ऊपर रखा गया है। एक एक पॉइंट को पॉइंट वाइज वन बाई वन रखी गई है हाईकोर्ट के द्वारा, जितने भी चीजें हुई, जो भी केसेस लगे, अलग अलग कई तरह के
केसेस इंक्लूडेड थे इस मैटर में, है ना। तो उन सारी चीजों को सामने रखते हुए, उन सारी रीजन, उन सारी कारणों को, स्पेशली आरटीई राइट टू एजुकेशन वाली बातों को सामने रखते हुए, फाइनली जो हाई कोर्ट है उसने ये बातें और ये जजमेंट सामने रखा है कि फॉर द अपगोइंग रीजन, उपरोक्त जो कारण थे, जितने भी कारण ऊपर बताए गए इन सारे पेजेस में, उन कारणों के कारण से द रिट पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड बाय डिक्लेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एज इलीगल एंड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन विच डिजर्व टू बी क्वेस्ट एंड हियर बाय क्वेस्ट। ठीक है, इतने लाइन में जो मेन बात है उसको बोला गया है, उपरोक्त दिए हुए कारणों के कारण जो पिटीशन लगा है, रिट पिटीशन लगाया गया है डीएड वालों के द्वारा, ठीक है, किसके खिलाफ, बीएड वालों के खिलाफ, उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और बीएड को जो क्वालिफिकेशन या बीएड को जो क्वालिफाई माना गया था प्राइमरी पोस्ट के लिए उसको इलीगल ठहराया जाता है, है ना, और बिना जो न्याय प्रणाली थी उसके अगेंस्ट ठहराया जाता है, और इस कारण से इस मैटर को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, है ना, इस मैटर को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, या इस जो इनकी ज्वाइनिंग थी उसको बर्खास्त करी जाती है। ठीक है, उसके बाद और आगे बोला जाता है ना, कॉन्सिक्वेंटली द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 4/5/2023 टू द एक्सटेंट इट परमिट द कैंडिडेट्स हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज ऑल्सो डिक्लेयर इलीगल। अब इन सभी कारणों से, है ना, क्योंकि प्राइमरी को, बीएड वालों को प्राइमरी के लिए डिसक्वालीफाइड किया जाता है, इलीगल किया जाता है, उसी कारण से छत्तीसगढ़ की जो असिस्टेंट टीचर भर्ती थी, जो डेटेड यहाँ पर दिखाया गया 2023 की जो भर्ती थी, जिसमें बीएड वालों को प्राइमरी टीचर के रूप में, असिस्टेंट टीचर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था, उसको भी क्या डिक्लेयर किया जाता है, इलीगल डिक्लेयर करके उसको भी क्वेस्ट किया जाता है। क्वेस्ट किया जाता है मतलब उसको नष्ट किया जाता है या उसे समाप्त किया जाता है ना, पूरी तरह से उसको बर्खास्त किया जाता है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज। अब यहां पर से हमारी मेन पॉइंट चालू होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को अब क्या डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, है ना, या क्या डायरेक्शन दिया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट, है ना, सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करें, फिर से जमाएं, कैसे जमाएं, अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द रूल्स 2019, है ना, 2019 के रूल के अकॉर्डिंग चली थी हमारी भर्ती, तो उसी रूल के हिसाब से, उसी नियम के बेस पर और सही नियम के बेस पर फिर से एक नया लिस्ट बनाया जाए, वो भी कैसा लिस्ट, by excluding the candidates participated in the selection process, है ना, in having qualification of B.Ed. B.Ed degree धारी जो भी candidate थे जो selection process में भाग लिए थे उनको बाहर कर कर लिस्ट बनाया जाए, उनको एक्सक्लूड कर कर लिस्ट बनाया जाए, ठीक है, excluding the candidate participated in the selection process having qualification of B.Ed. ठीक है, तो उनको बाहर करके या उनको हटा कर नया लिस्ट तैयार किया जाए। This exercise deserve to be completed within, अब कई लोग 6 महीना बोल रहे थे और ये सारी कंफ्यूजन था, तो यहाँ पर क्लियर होता है इसको कब तक कंप्लीट करने की बात कही है, विदिन द पीरियड ऑफ 6 वीक्स, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर, है ना, या 6 सप्ताह के अंदर इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करने का, कंप्लीट करने की बात हाई कोर्ट के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ये मेन बात है और मुख्य चीजें हैं, अगर हम बात करें आगे आने वाला जो प्रोसेस है उसका क्या होगा, वो कब तक होगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी अब मन में, स्पेशली अगर हम बात करें जो डीएड, देखो बीएड वालों की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत ही बड़ी और दुखद न्यूज है डेफिनेटली उन लोगों के लिए, लेकिन डीएड वालों का भी, क्योंकि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, एक अधिकार हो गया डीएड वालों के लिए प्राइमरी में सिलेक्शन पाना, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग, तो डीएड वाले जितने भी अब नीचे रेंज के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी ना फिर से एक होप जगी है, है ना, जो नीचे और कम रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं कि भाई कहाँ तक की चीजें या कहाँ तक का सिलेक्शन आगे आने वाले प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, तो देखो 6 सप्ताह की बात बोली गई है, तो फिलहाल तो अभी इलेक्शन प्रोसेस चल रही है, इलेक्शन प्रोसेस में प्रक्रिया को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो डीएड वाले हैं उन लोगों का पूरा सूची बनाया जाएगा। पहली लिस्ट की अगर हम बात करें, आप लोगों को याद होगा कि पहली सूची जो प्राइमरी की डली थी, है ना, वो बीएड वालों को बाहर करके डली थी और उसमें जो कट ऑफ रैंक था ना वो काफी नीचे था,
है ना, लगभग 7,000 से 9,000 है ना, ये लगभग कट ऑफ हमको देखने को मिला था फीमेल का, लगभग 7,000 प्लस ओबीसी की अगर हम बात करें तो वो चले गए थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा और नीचे वाले लोगों का सिलेक्शन होगा अगर अभी ये सारी चीजें अगर हुई तो, ठीक है, तो काफी नीचे वाले लोग भी उम्मीद कर सकते हैं अपने सिलेक्शन का। और डीएड वालों की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, एक अच्छा खबर है, एक अच्छा चीज है कि उनको भी या उनका भी सिलेक्शन जो अब कंप्लीटली छोड़ चुके थे उनका भी सिलेक्शन इसमें प्राइमरी के रूप में हो जाएगा, ठीक है।